हमारे YouTube चैनल CNCCTV News को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी खबरें सबसे पहले पहुंचे आप तक। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन जन जागृति अभियान मैगजीन के साथ जुड़े विज्ञापन और अधिक जानकारी के लिए दिए गए पते पर संपर्क करें। जय हिंद, मैं हिना मंसूरी, स्वागत है आपका CNCCTV News में। दिल्ली में साल 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को चार दोषियों में से एक दोषी पवन की दया याचिका खारिज कर दी है। राष्ट्रपति पहले ही अन्य तीनों दोषियों की दया याचिका खारिज कर चुके हैं। पवन की दया याचिका खारिज होते ही चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार सुबह मौत की सजा पाए चारों दोषियों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जांच कराने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।